शरद पूर्णिमा की तिथि काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और खूब सारा धन पाया जा सकता है, पर प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियां और नियमों के पालन की आवश्यकता है। शरद पूर्णिमा पर किन सावधानियों के पालन की आवश्यकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास रखें ना रखें, पर इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें, चमकदार सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रात्रि के समय स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर खीर बनाएं। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करें। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए तब चंद्रदेव की उपासना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें, अन्य धातुओं का प्रयोग ना करें। प्रातःकाल जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही उत्तम होगा। सबसे उत्तम है कि इस खीर का सेवन भोर में सूर्योदय के पूर्व किया जाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेम में सफलता के लिए इस दिन आपको क्या करना चाहिए। श्याम के समय भगवान राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को संयुक्त रूप से एक गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। मध्य रात्रि को सफ़ेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें, ओम राधा वल्लभाय नमः, या फिर मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रखें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपार धन की प्राप्ति के लिए इस दिन क्या करना चाहिए। रात्रि के समय माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद 11 माला जाप करें इस मंत्र का, ओम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बंधुओं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।